हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। यार एक सवाल तो मतलब बहुत अनयूजुअल होता है, टॉप कोई भी टॉपर होता है तो उससे यही पूछते हैं टॉप करके कैसा लग रहा है। तो तुमने क्योंकि हाई स्कूल में तुम्हें बता रहे थे अभी कि हाई स्कूल में भी तुम फर्स्ट टॉपर रहे हो, थर्ड रैंक थी। तो योगेश की ऑलरेडी हाई स्कूल में थर्ड रैंक थी। जो भी अपना एक्सपीरियंस हो बच्चों से कि मतलब पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि आज के टाइम में हर बच्चे को गाइडेंस चाहिए होती है, ऑनलाइन पढ़ना बहुत टफ होता है बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा सा बच्चों को टिप दो कि आखिर ऑनलाइन पढ़ा कैसे जाता है। सर यूट्यूब पे एक से एक टीचर हैं और सब टीचर सारे अच्छे होते हैं, बट सब टीचर सबको अच्छे लग नहीं सकते। तो जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है उसे फॉलो कीजिए पहली चीज़। मुझको सर आप फिजिक्स में आप मुझको मेरे फेवरेट हैं। पहली चीज़ कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो 100 में 90% लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है। पढ़ने बहुत अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बट कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी। तो सबसे मेन चीज़ है कॉन्टीन्यूटी। और दूसरी चीज़, आप ये कोई चीज़ अगर आप पाना है तो आप क्यों चाहते हो वो चीज़। अगर आपके पास ये कारण नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ। बस सर ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि कॉन्टीन्यूटी और आप कोई चीज़ क्यों करना चाह रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग तुमने कहीं की है? नो सर, ऑफलाइन कहीं नहीं की है। सिर्फ स्कूल और ऑनलाइन पढ़ करके बच्चे की सेकंड पोजीशन स्टेट में है। तो एक बात तो मैं आपसे बता दूं, जब से ऑनलाइन चीज़ें आई हैं ना, तब से एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। ऑनलाइन में कठिनाइयाँ क्या क्या आई? जब कभी भी आप यूट्यूब खोलो तो कोई भी लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने यूट्यूब ओपन किया एक घंटे के लेक्चर देखने के लिए तो 2 घंटे वेस्ट होगा उसका। मैं भी हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि YouTube पर सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। पहले इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, इसको बचने के लिए क्या किया तुमने? सर बचने के लिए पहली चीज़ कि सोशल मीडिया से मैं दूर था काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ सर मैंने आपका वीडियो देखा था, आपके सारे लेक्चर्स देखे थे, और साथ ही साथ एक बुक केवल फॉलो की थी। मैं एक बुक के सिवा मैंने दूसरी बुक नहीं उठाई थी। फेवरेट बुक मेरी थी बालाजी पब्लिकेशन। बालाजी, मैं हमेशा कहता था बालाजी। हाँ सर बहुत अच्छी बुक थी। सर ये दिक्कतें थी। फिर उसके बाद मेरे साथ जो चैलेंज था, चैलेंज ये था कि हाँ वहाँ स्कूल से आओ 3 बजे, फिर वहाँ से आना रहता था, खाना बनाना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, थक जाने के बाद वहाँ आराम करना, फिर शाम रात में खाना बनाना। तो वहाँ मैनेज करना काफ़ी दिक्कत। अब देखो तुम लोग घर पे रहते हो, बना बनाया पका पकाया मिल जाता है। ये बच्चे का स्ट्रगल समझो, स्कूल भी जाता था ये, अपने लिए सुबह भी खाना बनाता था, शाम को भी खाना बनाता था, इतना कुछ करता था ये, ठीक है। तुम लोग कहते हो सर टाइम नहीं मिल पाता है, सोचो इसको कैसे टाइम मिलता रहा हो। कितने घंटे पढ़ते थे? बच्चों को बहुत सवाल है सर पढ़ना कितने घंटे। सर ये चीज़ जो है पढ़ना कितने घंटे, वैसे आमतौर पर 5 से 6 घंटे होते हैं पढ़ने में, इतनी देर पढ़ता हूँ मैं, बट जितनी देर आपका मन कहे, आपका मन जितनी देर बोल रहा कि ये इतनी देर पढ़ना है मुझको उतनी देर पढ़ो। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह रहे हैं, तो आपका मन मैक्सिमम तक पढ़ाई में ही रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो। और कुछ टिप्स बच्चों के लिए तुम्हारी तरफ से? सर पहली चीज़ कि अगर कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, लेक्चर अपलोडेड लेक्चर आपने देखा, कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने, तो उसके बाद आप बुक स्टडी ज़रूर कीजिए, चाहे इवन मैथ्स ही क्यों ना हो। तो लड़के क्या करते हैं, अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो ये करते हैं कि मैथ्स पढ़ा सर ने कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर क्या किए वो सीधे एक्सरसाइज पे जूझ गए। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बाय चांस सर से मिस हो गई, या फिर सर ने कुछ इनकम्प्लीट बता दिया। और तो वो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसे आप खुद पढ़ें, और जिस दिन बुक पढ़ने की आदत लग गई उस दिन काफ़ी अच्छा कर जाएंगे आप। ठीक है, नोट्स मेकिंग के बारे में क्या ख्याल तुम्हारा? सर नोट्स मैंने आपके साथ ही आपका लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाई थी, और उसके बाद आप जैसे कोई चैप्टर है आपसे मैंने पढ़ा पूरा, और आपसे पढ़ने के बाद नोट्स बना ली, फिर बालाजी की बुक उठाता था, बालाजी की बुक जो है वो बुक स्टडी करते थे, फिर उसमें जो पॉइंट्स अच्छे मिलते थे कि हाँ लगता था शायद ये जो सर ने बताया शायद सर ने ये चीज़ नहीं बताई है, ठीक, तो वो टॉपिक्स लिखते थे जो नोट हैं। अभी भी मेरे जो नोट्स हैं फिजिक्स की, उसमें मैक्सिमम जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उससे टॉप पे मिलेंगी, टॉप पे, क्योंकि नीचे जगह नहीं होती थी। बहुत कैसे प्रिपेयर की जाती है? तो नोट्स लेक्चर लेते समय साथ में बनाते थे? हाँ सर।
हमेशा, मतलब ये नहीं होता था कि लेक्चर पढ़ डाला और नोट्स बाद में बना लेंगे। सर उसमें ऐसा करते थे कि तो आपके साथ जैसे आप कुछ पढ़ाए हैं ठीक, तो पहले आपका कॉन्सेप्ट पूरा देख लेते थे कि आपने क्या क्या चीज़ बताई है, फिर जैसे 10 मिनट तक आपने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया 10 मिनट तक आपके साथ समझे, फिर वीडियो को पॉज किया, बैक किया, नोट्स बनाई अपनी उतना टॉपिक और नोट्स बनाई, तो वो चीज़ लिखी, और जब वो चीज़ मैंने लिखी तो कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आया। नंबर्स तुम्हारे मतलब क्या आए हैं एक बार बता दो बच्चों को। हिंदी में 96 मार्क्स थे, हिंदी इंग्लिश 96 मैथ्स 98, केमिस्ट्री जो थोड़ा उतनी अच्छी नहीं थी 94, और फिजिक्स में 91, बट नंबर से कोई मैटर नहीं करता कि हाँ आपको इतना ही नॉलेज है। ये बात है, फिजिक्स में 9 सबसे कम मेरे ही सब्जेक्ट में है इसके मार्क्स, ठीक है। उसका रीज़न भी है, पेपर इस बार थोड़ा सा कुछ डिक्शनरीज का टफ आया था, जिसमें से इसका पेपर भी था, मैंने देखे ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, कुछ चीज़ें हमें आते हुए छूट जाती। तो क्या वो आ नहीं रहा था या क्या रीज़न था? सर मेरे अकॉर्डिंग मैंने 99 मार्क्स का किया है। कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंट है सर, फिजिक्स में मेरे हिसाब से 99 मार्क्स होने चाहिए, बट जैसा मिल गया वो सब चाहिए। कोई बात नहीं यार, मतलब सेकेंड पोजीशन कम नहीं है, 91 मार्क्स कम नहीं होते हैं। इसके आगे क्या करने का विचार तुम्हारा? सर इसके आगे करना है मैथ, सर हमारा मैथ्स और फिजिक्स दोनों में काफ़ी इंटरेस्ट है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स हैं, तो सर मैं फिजिक्स मतलब जो फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं वहाँ फिजिक्स जो है वो मैथ्स से कम स्कोरिंग है, तो सर मैथ्स का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा UPSC में, सिविल में 375 अनुभव सिंह फ्रॉम अलाहाबाद, उसके बाद 361 कनिष कटारिया, तो उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है वहाँ पे ऑप्शनल, तो इसलिए BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स जाना जा रहे हैं। मतलब बच्चे का रिसर्च भी तुम देखो, ऐसा नहीं कि हम अक्सर हम लोग कभी भी कोई बच्चा अच्छा रैंक लाता है टॉप करता है तो हम लोग इंटरव्यू वगैरह करते हैं ऐसा, और मैक्सिमम बच्चों का है कि सर सिविल में जाना है, सर इंजीनियर बनना है, सर डॉक्टर बनना है ना, बट अभी इंटर इसने पास किया है और इसका रिसर्च देखो ठीक है, इसको सिविल में जाना है तो अभी से इसको पता है कि मुझे आज से 5 साल बाद कौन से सब्जेक्ट को लेकर के मुझे सिविल देना है, बात समझ में आ रही है? तो इसी के लिए योगेश का मन है BSc ऑनर्स करने का, मैथमेटिक्स से DU से करना चाह रहा है, हमारी पूरी शुभकामनाएँ इसके साथ हैं कि इसका एडमिशन ज़रूर हो और होगा, 100% होगा, और एडमिशन होने के बाद फिर से एक बार हम अब इतना बहुत दूर है क्योंकि योगेश का घर हम लोग आए हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जरूर आपसे एक बार फिर से बात कराएंगे ठीक है। और आप लोग भी देख करके, आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम ना मोटिवेशन 2 दिन का होता है, आज सप्ताह में आ जाओगे, करना है हमको भी ठीक है। कभी भी जो बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेस हैं वो हमेशा के लिए वो केवल टेम्परेरी मोटिवेशन देते हैं, अगर आपके अंदर खुद का मोटिवेशन नहीं है, आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती हो हमेशा, आपको हमेशा मोटिवेट करती हो, अगर वो चीज़ नहीं है आपके अंदर तो आप YouTube पे चाहे इतने लेक्चर्स देख लो, चाहे इतने मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इनर मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है योगेश, और टॉप करने के बाद मीडिया वीडिया आई होगी? हाँ सर। पता चला पहला रिएक्शन क्या था तुम्हारा? सर रिएक्शन अच्छा था, लेकिन सर फिजिक्स में 91 हजम नहीं हुए तो सब अच्छा था, लेकिन सर फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर फेवरेट सर 9th 10th मैथ्स था, 11th 12th भी मैथ्स था, बट 12th मैथ फिजिक्स कुछ ज़्यादा था फेवरेट। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात और है योगेश, मैंने बताया था आप लोग मुझे ध्यान नहीं है, हाई स्कूल में भी योगेश ने टॉप किया था ठीक है, सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन थी वहाँ पे, थर्ड से सेकंड पे आया है, और हम चाहेंगे और हमारा पूरा आशीर्वाद है, पूरी विशेष है कि अब थर्ड से सेकंड आया है तो अगले जो भी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन लेकर के आए ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट नहीं आएगा तो इसकी लाइफ आगे कुछ नहीं है, जहाँ भी रहेगा बहुत बेहतरीन करेगा, बहुत अच्छा करेगा ठीक है। सर आप लोगों को और कुछ कहना हो तो? मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गए, सब कुछ तो हो गया है, नहीं पूछना कुछ नहीं है, सब कुछ तो पूछ लिया आपने ठीक है। तो मतलब अभी तो ढेर सारी बधाई, और आगे के लिए जो है जहाँ BSc ऑनर्स की बात हो रही है मैथ से, मुझे अच्छा लगा ठीक है, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन होगा ठीक है, ये पूरे मन से आशीर्वाद है ठीक, ऐसे ही लगे रहो और बस आगे बढ़ते रहो। विवेक सर पहली बात बहुत बहुत बधाई आपको ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका रिजल्ट आया तो घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था?
तो कैसे घर सबसे पहले आपने किन्हें बताया फ़ोन करके? सबसे पहले मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी ने पूछा कितने नंबर हैं, तो बताया कि हाँ 95% स्कोर किया है। और तब तक रैंक पता नहीं चली थी ना, क्योंकि जैसे 4 बजे थे तुरंत 7-8 मेरे दोस्त थे, उन्होंने तुरंत चेक किया कि हाँ कितने परसेंट नंबर हैं, कितने परसेंट मार्क्स हैं। तो उसमें उन्होंने चेक किया तो मैंने देखा 475। तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने पूछा कितने नंबर है, बताया कि हाँ इतने परसेंट नंबर है। उसके बाद तुरंत मेरे क्लास टीचर का फ़ोन आया कि हाँ आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं, अभी 5 मिनट पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कौन सी है। फिर बोला कि वो सर बोले कि आओ यहाँ पे स्कूल चले आओ, यहाँ कॉलेज चले आओ और ड्रेस में आना। फिर कॉलेज चले गए, उसके बाद फिर किसी से ज़्यादा बात नहीं हुई। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे, जैसे आपके जूनियर्स हैं जो इस बार 12th में गए हैं, तो क्या मैसेज आपका होगा उनके लिए कि वो भी अच्छा स्कोर करें? आपकी सेकेंड रैंक आई तो कोई अगले बार आपके स्कूल से फर्स्ट रैंक लाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? सर जैसा मैं सोचता हूँ सर, ऑनलाइन स्टडी जो है वो ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा बेस्ट है। बस आप कंटिन्यूटी बना करके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर सकें। अगर मेरा फीडबैक कोई लेना चाहे तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, उम्मीद थी तुम्हारी इस बार स्टेट में रैंक लाने? हाँ सर, पूरी उम्मीद। सर रैंक नहीं बोल सकते सर, मार्क्स की उम्मीद थी, क्योंकि रैंक इस पर डिपेंडेंट है कि किसने कितना स्कोर किया है। तो IAS बनने का सपना है तुम्हारा? तो मतलब क्यों IAS बनना, क्यों, एक मैं क्वेश्चन जानना चाहूँगा। सर इसके पीछे कारण ये है कि मेरे जो भाई, जब मैं 8th में था तब मुझको पता चला टॉपर क्या होते हैं यूपी बोर्ड का। बाकी देखते थे कि हाँ टॉप, ये आपकी बार इन्होंने टॉप किया, आपकी बार उन्होंने टॉप किया। तो मेरे जो भैया थे, मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, वो आर्मी में है इस समय, तो वो बताते रहते थे कि टॉपर के बारे में बताते रहते थे। फिर उन्होंने बताया कि हाँ IAS के बारे में बताया क्या होता है। IAS से पहले हम लोग जानते थे DM, तो गांव की भाषा में IAS मतलब केवल DM कलेक्टर, बस इससे तो कोई नहीं जानता था। इवन मैं भी गांव नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, मैं शहर में भी बताऊं, IAS मतलब DM से आगे कोई कुछ नहीं जानता है। आप भी 99% बच्चे IAS मतलब DM ही समझते होंगे, ठीक है? सब DM समझते हैं IAS मतलब, लेकिन आज जान लो IAS मतलब क्या होता है। सर वो जो IAS है वो लोग केवल कलेक्टर DM, बट कलेक्टर DM एक शुरुआत है कि हाँ आप एक IAS ऑफिसर हैं, हाँ मोस्टली 5 साल तक आप 5-10 DM को देखा जाए तो आप 10 साल तक DM रहेंगे, उसके बाद आप आगे के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। और अगर आपका आपकी छवि अच्छी रही, आपने काम अच्छा किया है, तो अराउंड 15-20 साल के बाद आप एक सेक्रेटरी के रूप में, फिनेंस सेक्रेटरी और कैबिनेट में आप पहुँच सकते हैं। तो ये होता है IAS की आगे वाली पोस्ट। तो जब नाइन्थ में मैं आया तो भैया ने बताया कि हाँ टॉपर के बारे में बताया, फिर भैया ने IAS के बारे में बताया, तो तब तक जानकारी थी नहीं, तब तक यूट्यूब भी नहीं जानते थे ज़्यादा, वह नाम सुने थे कि हाँ यूट्यूब होता है मोबाइल फ़ोन में। तो भैया बताते रहते थे, अब भैया बताते रहते थे तो खुशी बहुत होती थी कि हाँ टॉपर होते हैं, ये IAS होते हैं, तो वो जो खुशी थी वो दिल में बैठी थी कि हाँ हमको भी करना है, हमको भी टॉप करना है। तो नाइन्थ उतना अच्छा हुआ नहीं, बट 10th में काफ़ी अच्छी मेहनत की, तो थर्ड पोजीशन आ गई। और 10th वाला थोड़ा ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि 10th में मैं 12th तो भी सिटी के कॉलेज से किया है, और 10th मैंने यही स्कूल था वहीं से किया था। तो वो थोड़ा ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक छोटे से स्कूल से फिर वहाँ UP में थर्ड रैंक लाना, तो उसमें काफ़ी खुशी हुई थी। तो IAS बनने का पूरा श्रेय मेरे भैया को जाता है कि हाँ उन्होंने बताया IAS के बारे में, और फिर मैंने देखा यूट्यूब पे, और फिर क्या होता है उनका कार्य क्षेत्र, क्या होता है, कैसे वो लोगों से मिलते हैं, फिर लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं, और कितने ज़्यादा वो लोग सोशल रहते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं अच्छा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि मैं भी एक IAS ऑफिसर बनूँ। दो इसमें ऑप्शन आते हैं, IAS का मतलब पावर भी होता है, IAS का मतलब होता है सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है, मतलब लोगों की सेवा करना, ठीक है? मतलब तुम्हें मन में कौन सी भावना ज़्यादा प्रेरित करती है? सर पहले तो जैसे कि पहले जब छोटे थे तो नाइन्थ टेंथ बोल सकते हैं कि हाँ पावर वाली चीज़ें थी, बट अभी जब ज़्यादा जानकारी हुई उसके बारे में तो मेरे हिसाब से सिविल सर्वेंट कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब अभी तक करियर में मैं क्या कहूँ योगेश के बारे में, बहुत से बच्चों से बात किया हम लोगों ने, बहुत से रैंक होल्डर से बात किया, लेकिन जितना अच्छा मुझे इससे बात करके लग रहा है कि बस बात करते जाओ,
बात ख़त्म ना हो, लेकिन ठीक है कभी ना कभी सिलसिला ख़त्म करना ही पड़ेगा। बहुत बातें हो गई आज योगेश के साथ, तो एक बार फिर से योगेश तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन, अंकल आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ऐसा लड़का मिला है, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग। हाँ तो बच्चा लोगों ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोबारा।